स्प्रिंग्स को न्यूमेरिकल में यूज़ कैसे करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट लगता है, न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, इसको एक बार डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, इस स्प्रिंग के अंदर अगर मान लो एक स्प्रिंग को आप एक्स एक्सपैंड कर देते हैं बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ एफ, तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगी माइनस की एक्स। तो स्प्रिंग की फोर्स को रिस्टोरिंग फोर्स का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि ये फोर्स जो है ये इस स्प्रिंग को ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लेके आती है। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, स्प्रिंग के अंदर दो कॉन्सेप्ट लगते हैं, सिर्फ दो कॉन्सेप्ट। पहला, या तो स्प्रिंग के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, या फिर एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें स्प्रिंग में दो ही चीजें आती हैं, या तो फोर्स आती है या एनर्जी आती है, बात खत्म। राइट, क्लियर है यहां तक? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कब फोर्स लगेगा और कब एनर्जी लगेगी, ये स्टूडेंट को मालूम नहीं पड़ता। और अगर आप ये सोचो कि हम ये देख लेंगे, आप नहीं देख पाएंगे, जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं है स्प्रिंग का, आप लगा ही नहीं पाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि फोर्स लगानी है या एनर्जी लगानी है। तो आज का स्प्रिंग का लेक्चर सिर्फ आपको यही बताएगा कि किस न्यूमेरिकल में फोर्स के साथ क्वेश्चन सॉल्व होगा और किस में एनर्जी के साथ क्वेश्चन सॉल्व होगा। बस फॉर्मूला आप सबको लगाना आता है। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट, जब भी क्वेश्चन में ये आएगा कि मान लो ये स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ का मतलब है कि ना ये कंप्रेस्ड है ना ये एक्सपेंडेड है, बस जैसा है वैसे का वैसा है। जब स्प्रिंग कंप्रेस नहीं होता, एक्सपेंड नहीं होता, तो उस स्प्रिंग के अंदर कोई फोर्स नहीं होती, क्योंकि एक्स जीरो है, तो स्प्रिंग के अंदर कोई फोर्स, कोई एनर्जी नहीं है, कुछ नहीं है। ये अपनी नेचुरल लेंथ पे मैं गया, मैंने स्प्रिंग के नीचे एक मास लगा दिया एम। जब मास लगाया और छोड़ा तो देखो ये नीचे गिरा, स्प्रिंग नीचे एक्सपैंड हुआ। लेकिन स्प्रिंग प्रैक्टिकली कैसे एक्सपैंड होता है? स्प्रिंग के साथ जब मास लगेगा तो स्प्रिंग एकदम नीचे जाएगा, फिर स्प्रिंग ऊपर आएगा, फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर वाइब्रेट करेगा। बहुत देर के बाद आप देखेंगे मास आपको रेस्ट पे दिखेगा, कभी ना कभी तो रुकेगा भी, मान लो ये रुक गया। लेकिन ये भी बात सही है, जब आपने मास लगाया था तो एकदम काफी नीचे गया था, फिर ऊपर नीचे करते करते यहां पे रुक गया। इस पोजीशन को हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्योंकि ये मास किस पे पड़ा हुआ है? एट रेस्ट पे। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है इसकी, तो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। और मान लो इक्विलिब्रियम पोजीशन में स्प्रिंग कितना एक्सपेंडेड है? एक्स नॉट। स्प्रिंग एक्स नॉट एक्सपेंडेड है। कौन सी फोर्स इस स्प्रिंग को नीचे खींच रही है? इसका वेट कितना? एम जी। कौन सी फोर्स इसको वापस लाने की कोशिश कर रही है? कितना? कि एक्स नॉट। आप कहेंगे माइनस नहीं लगाया, कोई बात नहीं, मैंने एरो लगाया है, एरो का मतलब इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मैंने वेक्टर ड्रॉ किया है, तो मुझे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और अगर मैं डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आपसे पूछूं, हमने किया था फोर्स के अंदर, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो का होना इज इक्विलिब्रियम। तो ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम कभी एनर्जी से सॉल्व नहीं होती, किससे सॉल्व होती है? फोर्स से। अब नेट फोर्स जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे और ऊपर की फोर्स को बराबर, नीचे की फोर्स कितनी है? एम जी। ऊपर की फोर्स कितनी है? के टाइम्स एक्स नॉट। इन्हें इक्वेट कर लेते हैं, एम जी इक्वल टू के टाइम्स एक्स नॉट, या से एक्स नॉट की वैल्यू आ जाएगी। एक्स नॉट को बोलते हैं, मैंने क्या निकाली? इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाली, जब मास किस पे आ जाएगा? एट रेस्ट। तो यानी कि कभी भी आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन का क्वेश्चन सॉल्व करना हो, एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, किसका लगेगा? फोर्स का लगेगा। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? जैसे कोई भी आपको न्यूमेरिकल पूछ लिया जाएगा, आपको वो ये कहेगा कि मान लो ये एक स्प्रिंग है, नेचुरल लेंथ पे है, आपने मास लगाया, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट की वैल्यू 100 है, ये 10 kg है, आपको बताना है कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितने डिस्टेंस डाउन है, एक्सपेंडेड है। आप क्या करेंगे? 10g इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स नॉट। तो आप के इंटू एक्स नॉट की वैल्यू क्या पुट करेंगे? वेट 10g, के की वैल्यू 100 है, इंटू एक्स नॉट इज 10 × 10 कर लेंगे, एक्स नॉट की वैल्यू आ जाएगी 1 आंसर। तो आपको पहले टाइप की प्रॉब्लम इक्विलिब्रियम क्या आएगी? फोर्स से सॉल्व कर देना। पॉइंट नंबर वन क्लियर है? ठीक, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम आपको ये आएगी, मान लो आपके पास ये एक स्प्रिंग है, नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग है, तो ये नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग पड़ा हुआ था, ना ये एक्सपेंडेड था ये, ना ये कंप्रेस था। मैंने मास लगाया, सेम प्रॉब्लम पीछे वाली, मैंने मास लगाया और छोड़ दिया,
बहुत देर के बाद देखा ये मास मुझे यहाँ दिखा, तो ये एक्स नॉट क्या इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। और मैं अगर ये पूछूँ एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है, तो एक्स नॉट की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कितनी, एम जी बाई के, हमें निकालनी आती है इक्विलिब्रियम पोजीशन की वैल्यू कैसे निकलती है। राइट, क्लियर है यहाँ तक? एक्स नॉट की वैल्यू आ गई यहाँ पर, लेकिन अब ये आराम कर रहा था मास और इक्विलिब्रियम है, रेस्ट पे है। मैं गया, मैंने इसे वी वेलोसिटी दी नीचे की तरफ, मैंने पुश किया इसे विद वेलोसिटी ऑफ वी। अब जब मैंने वी वेलोसिटी दी, ये नीचे आया, बहुत नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, बहुत देर के बाद ये यहीं पे रेस्ट पे आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, रुकना तो इसे यहीं पर है। पर एक बार तो ये बहुत डेप्थ कैच कर गया, और कितना, ये बहुत ज्यादा खुल गया स्प्रिंग, और कितना खुल गया, एक्स मैक्स। राइट, तो मेरे को क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से ज्यादा कितना खुल गया। इक्विलिब्रियम पे तो ये रेस्ट पे था, पर जैसे ही आपने वी वेलोसिटी दी, ये काफी नीचे गया, ये काफी जो नीचे गया, इसकी वैल्यू निकालनी है कितना नीचे गया। तो अगर मैं इस स्प्रिंग से इसकी मैक्सिमम एक्सपेंशन, इसे बोलते हैं एक्स मैक्स, एक्स मैक्स का मतलब मैक्सिमम एक्सपेंशन निकाल दूं, तो मैक्सिमम एक्सपेंशन में से इक्विलिब्रियम की एक्सपेंशन एक्स नॉट को माइनस करके आंसर आ जाएगा। तो एक बार तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एक्स मैक्स। तो ये स्टेप समझ में आ रहा है यहां तक क्या करना है मुझे। लेकिन एक बात ये भी सही है, ये आपको एक फोटो गिवन है, स्नैपशॉट गिवन है, एक्चुअल में रुका थोड़ी ना हुआ है, एक्चुअल में तो ये ऊपर नीचे मूव कर रहा है, और ये टू नंबर पॉइंट पे जो मास आया, ये किसी इंस्टेंट पे रेस्ट पे है, इस इंस्टेंट पे ये रेस्ट पे है जब ये लोएस्ट पॉइंट पर है। अगले इंस्टेंट पे आप इसे देखेंगे, आपको ऊपर कहीं मिलेगा, यानी कि मोशन में है, तो मोशन में मूव कर रहे, लेकिन इस इंस्टेंट पर ये रेस्ट पे है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि टू पॉइंट इज न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन, यस कि नो? नो, क्यों? इक्विलिब्रियम का मतलब सदा ही रेस्ट पे है, कि नेट फोर्स जीरो है, लेकिन इसमें नेट फोर्स जीरो नहीं होगी, अगले इंस्टेंट पर ये ऊपर जाएगा। अगर ऊपर जाएगा, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो नहीं है, ऊपर की फोर्स बढ़ी है, नीचे की फोर्स कम है, तभी तो ऊपर जा रहा है। इसका मतलब यहां पर इक्विलिब्रियम नहीं बना, तो यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स नहीं लगाना, तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्या लगेगा, एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा। स्प्रिंग की फोर्स कंजर्वेटिव है, लास्ट टाइम डिस्कस किया था, तो जो फोर्सेस कंजर्वेटिव होती हैं उसमें एनर्जी कंजर्वेशन तो लगती लगती है। तो जब भी दो पॉइंट की मोशन के बीच में क्वेश्चन होगा, ऊपर नीचे, कोई भी दो पॉइंट्स गिवन होंगे, तो उन दो पॉइंट्स में अगर आपको एक पॉइंट की वेलोसिटी गिवन है और आपको एच निकालना है या दूसरी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है, और मोशन है बॉडी की, चल रही है बॉडी, रेस्ट पे नहीं है, अगर रेस्ट पे होती फिर तो मैं फोर्स का ही कॉन्सेप्ट यूज कर लेता, मोशन में है बॉडी तो एनर्जी कंजर्वेशन ही लगेगा, चलता हुआ स्प्रिंग या चलता हुआ मास स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है, कभी फोर्स से सॉल्व ना करना, ऐसा नहीं कि होता नहीं, होता है, फिर आपको न्यूटन के लॉज लगाने पड़ते हैं, ऊपर की फोर्स माइनस छोटी की फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, इंटीग्रेट करके, वेरिएबल फोर्स है ना, इंटीग्रेट करके आंसर निकलते हैं। मत करना, कंजर्वेटिव सिस्टम है, एनर्जी कंजर्वेशन लगा देना। तो एक काम करेंगे, पॉइंट नंबर वन लेंगे, पॉइंट नंबर टू लेंगे, पॉइंट नंबर वन एंड टू पे टोटल एनर्जी कांस्टेंट कर देंगे। अब टोटल एनर्जी में कौन कौन सी दो एनर्जीज हैं, एक पोटेंशियल है और एक काइनेटिक है, और टू नंबर पॉइंट के भी एक पोटेंशियल है और एक काइनेटिक है, ठीक है यहां तक? तो वन नंबर पॉइंट पे पोटेंशियल एंड काइनेटिक है, टू नंबर पॉइंट पे पोटेंशियल एंड काइनेटिक है। अब पोटेंशियल दो किस्म की हो चुकी है, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है और एक स्प्रिंग की एनर्जी भी है। अब मैं तीन तीन एनर्जी कंजर्व करूंगा, स्प्रिंग एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम दोनों पॉइंट्स पर सेम है। तो पॉइंट नंबर, और क्योंकि ये इसका लोएस्ट पॉइंट है, इमेजिनरी ग्राउंड मान लो, यहां पर मान लो ये ग्राउंड है, ग्राउंड कहीं भी ले सकते हैं, पर मैंने ग्राउंड यहां पर ले लिया। तो आंसर दो, वन नंबर पॉइंट पे जब यहां से ये चला था, तो वन नंबर पॉइंट पे स्प्रिंग एनर्जी, वन नंबर पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वन नंबर पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी, टू नंबर पॉइंट पर स्प्रिंग एनर्जी, टू नंबर पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और टू नंबर पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी का सम क्या होगा, सेम। अब शुरू करते हैं, बोलो वन नंबर पॉइंट पे स्प्रिंग की एनर्जी कितनी है, या क्वेश्चन स्प्रिंग से पूछो ना, और स्प्रिंग अपनी एनर्जी बताने के लिए कहां से लेंथ लेगा, फ्रॉम नेचुरल लेंथ। एक्सपेंशन कहां से ली जाती है, फ्रॉम नेचुरल लेंथ। स्प्रिंग कहेगा देखो मेरी नेचुरल लेंथ ये है, और अगर आप मेरे वन पॉइंट पे स्प्रिंग की एनर्जी पूछते हो तो मैं कितना एक्सपेंडेड हूं, एक्स नॉट, तो मेरे अंदर स्प्रिंग की एनर्जी है हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर।
सही, पहला पॉइंट क्लियर है। फिर दूसरा पॉइंट, आप इससे पूछो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो स्प्रिंग कहेगा देखो ग्राउंड से मेरी हाइट कितनी है, एक्स मैक्स माइनस एक्स नॉट, तो प्लस एम जी एक्स मैक्स माइनस एक्स नॉट। काइनेटिक कितनी है, वी वेलोसिटी हमने इसको दी, तो काइनेटिक कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर होगी तीन एनर्जी। अब यहां पर आ जाएं, यहां पे स्प्रिंग एनर्जी कितनी है, स्प्रिंग से पूछो, ये मत देखना कि कितना एक्सपेंडेड है, जब भी स्प्रिंग की एनर्जी आएगी उसमें आपको एक्स फॉर एक्सपेंशन चाहिए होगी, एक्सपेंशन हमेशा कैलकुलेट की जाती है फ्रॉम नेचुरल लेंथ, तो ये इसकी नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ से यहां तक स्प्रिंग कितना एक्सपेंड हो चुका है, एक्स मैक्स हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और इस इंस्टेंट पर काइनेटिक भी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि अगले इंस्टेंट पे चल पड़ेगी, पर इस इंस्टेंट के ऊपर, लास्ट इंस्टेंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी तो जीरो लेनी पड़ेगी। आप इक्वेट कर देना, इन्हें मैंने किया हुआ है वो देखो, इक्वेट करके न्यूमेरिकल देखो क्या आएगा, मुझे मालूम नहीं है ऐसे कुछ न्यूमेरिकल आएगा, पर जो भी आएगा एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगानी है समझ में आ रहा है, क्या क्या चीजें गिवन होती हैं और क्या क्या चीजें, देखो सब कुछ सर, सर एक बार दोबारा बता दो। देखो इसमें इस पॉइंट पर सम ऑफ स्प्रिंग एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी सेम है, और टू नंबर पॉइंट कर भी तीनों की एनर्जी सेम है, तो वन नंबर पॉइंट के ऊपर स्प्रिंग एनर्जी कितनी है, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से कितना खुला हुआ है, एक्स नॉट, तो स्प्रिंग एनर्जी है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। ग्राउंड से इसकी हाइट क्या है, इसकी एक्स मैक्स माइनस एक्स नॉट, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है एम जी एक्स मैक्स माइनस एक्स नॉट, और इसकी वेलोसिटी यहां पर वी है तो हाफ एम वी स्क्वायर। टू नंबर पॉइंट पे स्प्रिंग एनर्जी कितनी है, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से कितना खुला हुआ है, एक्स मैक्स हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्योंकि ग्राउंड पे ही है, और काइनेटिक भी जीरो क्योंकि इस इंस्टेंट पर जीरो है, इन्हें इक्वेट कर लेना आंसर आ जाएगा। तो रेगुलर आने वाले क्वेश्चन नहीं है ये, वैसे बता दूं मैं आपको, कोई स्कूल लेवल प्रॉब्लम नहीं है ये कॉम्पिटिटिव लेवल प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी मैंने कम ही देखी आते हुए, पर मैं आपको स्प्रिंग के सारे केसेस दिखाने वाला हूँ, वो आए ना आए मुझे नहीं पता, लेकिन किताबों के अंदर जहाँ जहाँ मुझे बहुत सारी किताबों के अंदर स्प्रिंग दिखे मैंने वहाँ से शीट बना रखी है। ये कोई थ्योरी की किताब नहीं है कि मैंने उठाई और थ्योरी लिख दी, मैंने बहुत बुक्स के न्यूमेरिकल देखे कैसे पूछे गए अलग अलग बुक्स में से, बस मैंने उन न्यूमेरिकल्स को पढ़ते हुए ये कॉन्सेप्ट लगाया कि ऐसे कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं, न्यूमेरिकल जब आएगा तब की तब देखेंगे। ठीक, तो पहला पॉइंट क्लियर है, दूसरा बोलो। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वी वेलोसिटी दे दी ना, तो फोर्स हमने जब इंस्टेंट वेलोसिटी वी दे दी तो क्या लीस्ट बॉर्डर की फोर्स क्या है, हमें क्वेश्चन में वी गिवन है, वो फोर्स के थ्रू दी होगी वो हमें मतलब नहीं है, वो कैसे दी हमें मतलब नहीं है, हमें वी के साथ क्वेश्चन स्टार्ट होगा, क्योंकि अगर उसने फोर्स लगा लिया फिर न्यूटन के लॉज लगने स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर प्रॉब्लम पता है क्या है, फोर्स वेरिएबल है एफ इज इक्वल टू के एक्स, क्योंकि एक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है, वेरिएबल फोर्स में इंटीग्रेशन आ जाएंगे, तो ऐसा देता नहीं है, इसलिए वो वी वेलोसिटी ही देता है। ठीक, मतलब इन टाइप की प्रॉब्लम में, एनर्जी कंजर्वेशन की प्रॉब्लम में फोर्सेस कम देता है, और जिनमें देता है उसमें इंटीग्रेशन के अलावा कोई तरीका नहीं है कि एफ की वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में वी ही गिवन होगा, जैसे हम करते नहीं है कि काइनेमेटिक्स करते हैं, ए कार इज स्टार्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, अब तुमने ये तो नहीं पूछा काइनेमेटिक्स में फोर्स तो लगाई होगी फोर्स, कोई शक नहीं है, बट हमने अपना क्वेश्चन वी से करना है, हम फोर्स को अवॉइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि फोर्स से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, सेम प्रॉब्लम फोर्स से भी सॉल्व हो सकती है, पर आपको बहुत इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी तो होगा, फोर्स को अवॉइड कर रहे हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं। अब जैसे मैंने इसमें नोट लिख दिया है, व्हेन वी वांट टू कैलकुलेट एक्स नॉट, दैट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, हम कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स लगाते हैं, और व्हेन वी वांट टू कैलकुलेट एक्स मैक्स, यानी कि मैक्सिमम एक्सपेंशन, और मैक्सिमम एक्सपेंशन क्या होती है, जब स्प्रिंग ज्यादा से ज्यादा खुल गया, पर जब स्प्रिंग ज्यादा से ज्यादा खुलता है उसके बाद स्प्रिंग को वापस भिजाना होता है, तो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन कभी नहीं होती, इसलिए वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी, तो हमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाना होता है। फिर देखते हैं, अब एक स्टूडेंट आया, वो कहता सर सेम प्रॉब्लम है मेरे को पेपर में आ गई, मैंने कहा ठीक है, वो कहता वही सेम प्रॉब्लम, वो नेचुरल लेंथ से एक्स नॉट तो एक्सपेंडेड ही था, और मेरे को वी वेलोसिटी उसने दे दी, और उसने कहा कि एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, मैंने कहा डिफरेंस क्या है उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में,
पहले डिफरेंस ये है कि मैंने क्या किया, आपने तो ऐसे किया था पिछले क्वेश्चन में, पहले आपने एक्स मैक्स निकालना है, फिर आप एक्स नॉट निकालोगे, फिर आप इन्हें माइनस करोगे, एक्स मैक्स में से एक्स नॉट को माइनस करोगे तो आपके पास ये डिस्टेंस आएगा। तो मैंने कहा तूने क्या किया, वो कहता मैंने शॉर्टकट मारा, मैंने ये सीधा ही एक्स डैश ले लिया, मैंने एक्स मैक्स लिया ही नहीं, तो मैंने ये सीधा क्या ले लिया, एक्स डैश ले लिया। तो मैंने कहा एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाई, वो देखो ऐसे लगाई, यहाँ पे मैं फिर लिख रहा हूँ, स्प्रिंग एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे स्प्रिंग एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का सम सेम कर देता हूँ। कैसे, यहाँ पे स्प्रिंग एनर्जी कितनी है, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से कितना एक्सपेंडेड है, एक्स नॉट, तो स्प्रिंग की एनर्जी क्या आएगी, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अब ग्राउंड से इसकी हाइट क्या है, एक्स डैश, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एम जी इंटू एक्स डैश, और काइनेटिक की वैल्यू क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिख दिया। और जब मैंने पूछा यहाँ पे स्प्रिंग एनर्जी क्या है, यहाँ पे स्प्रिंग एनर्जी में बोलता है कि हाफ के नेचुरल लेंथ से स्प्रिंग कितना एक्सपेंडेड है, एक्स नॉट प्लस एक्स डैश, एक्स नॉट प्लस एक्स डैश का स्क्वायर। ग्रेविटेशनल एनर्जी मैंने जीरो कर दी, काइनेटिक भी लोएस्ट पॉइंट पर जीरो होगी, इन्हें इक्वेट करके एक ही गो में एक्स डैश आ जाएगा, तो मेरे को एक्स मैक्स में से एक्स नॉट को माइनस करने की जरूरत नहीं है, एक ही बारी में एक्स डैश आएगा। यह एब्सोल्युटली करेक्ट है, मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप याद नहीं कर सकते, आप जो डिस्टेंस लोगे सब एक्सेप्टेबल है, आप एक्स डैश लो, आप एक्स मैक्स लो, जो मर्जी लो, एनर्जी कंजर्वेशन सही लगा देना, बस उसको देखते हो आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। अगर एक्स मैक्स ढूंढना है इसमें तो फिर तो इनको ऐड करके आंसर देना पड़ेगा, वो तो डिपेंड करता है ना क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो पूछेगा एक्स मैक्स निकाल दो, फिर मैं एक्स नॉट को एक्स डैश में ऐड करके आंसर दूंगा। पर एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगती हैं इस टाइप की प्रॉब्लम में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज़्यादातर प्रॉब्लम ऐसी आती नहीं है, कोई एक शायद प्रॉब्लम आपको दिख जाएगी किसी ऑब्जेक्टिव के अंदर, मैं बोल नहीं सकता, कहीं से तो मैं भी लेके आया हूँ, तभी मैं लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं खुद थोड़ा बना के लेके आ रहा हूँ। वैसे प्रॉब्लम एच सी वर्मा की प्रॉब्लम है, बड़ी फेमस बुक है, उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ था, मैंने वही सॉल्व किया है, तो कई बुक्स के अंदर ये एग्जाम्पल मिल जाना चाहिए आपको, ज़्यादातर बुक्स में ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन ज़्यादा दिखती हैं। तो इसके अंदर आपको क्या गिवन होगा, इसके अंदर ये गिवन है कि जैसे इस एग्जाम्पल को अगर करना है तो आपको ना एक स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे गिवन है, जैसे लेट अस सपोज ये आपका स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है, ना ये एक्सपेंडेड है ना ये कंप्रेस्ड है, बात खत्म। यहाँ पे एक ब्लॉक था, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ब्लॉक वी वेलोसिटी से आता है, इस स्प्रिंग को टच करता है और इस स्प्रिंग को दबाता जाता है, तो स्प्रिंग की क्या स्टार्ट हो गई, कंप्रेशन स्टार्ट हो गई। ठीक, तो स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, ठीक है, ध्यान आ गया, तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा। तब क्या हुआ, इसके अंदर स्प्रिंग बहुत बुरी तरीके से कंप्रेस हो गया, इतना बुरी तरीके से कि इस ब्लॉक को यहां रुकना पड़ा, फॉर एन इंस्टेंट ये रुक गया। अगली स्टेट बोलो, अगली बार क्या होगा, अब क्या होगा, रुका रहेगा बस, परमानेंट रुक गया, क्या करेगा, स्प्रिंग उठा के इसे वापस फेंक देगा, ऐसे ही होगा, इलास्टिक है ना, तो आप इसे दबाएंगे, स्प्रिंग इसको दबा देगा और ये ब्लॉक वापस मोशन स्टार्ट कर देगा। चलो वहां तक तो क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है कि बताओ ये स्प्रिंग यहां पर एक्स मैक्स कंप्रेस हो गया, तो इसने इसे मैक्सिमम कंप्रेस कर दिया, क्योंकि ये परमानेंट रेस्ट पे नहीं है, तो ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है, तो मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता कि लेफ्ट की फोर्स इज इक्वल टू राइट की फोर्स, तो ये क्वेश्चन फोर्स से सॉल्व नहीं करना, मैंने ये नहीं कहा हो नहीं सकता, मैंने कहा आपने नहीं करना, लंबा है इंटीग्रेशन में, नहीं करना चाहता मैं, एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व करूंगा, क्योंकि ये किसी भी इंस्टेंट के ऊपर क्वेश्चन है, तो एनर्जी कंजर्वेशन में पॉइंट नंबर वन एंड पॉइंट नंबर टू ले लिया, इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट देख रहे हो, इस पॉइंट पर स्प्रिंग एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, और इस पॉइंट पर स्प्रिंग एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का सम क्या रहेगा, एग्जैक्टली सेम,
मैंने वही रूल फॉलो किया जो मैंने आपको सिखाया। अब क्योंकि ये क्वेश्चन ग्राउंड में ही तो हो रहा है, तो ग्राउंड पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो। वो तो यहां भी जीरो है और वो तो यहां पर भी जीरो है, बातें खत्म, लेना ही नहीं है। फिर एक काम करते हैं, जब ये स्प्रिंग यहां पे ये ब्लॉक इसे टच, देखो ये ब्लॉक बहुत दूर से आ रहा है, जब ये पहली बार इसे टच करेगा वो पॉइंट नंबर वन है, जब इसे दबाना शुरू किया वो पॉइंट नंबर वन है, और जब पूरी तरह दबा दिया ये पॉइंट नंबर टू है। जब पूरी तरह दबा दिया तो यहां पे काइनेटिक क्या हो गई? जीरो। और जब इसने वी वेलोसिटी से टच किया था तो उस टाइम काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर। जब इसने इसको टच किया था, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे था, तो उस केस में स्प्रिंग एनर्जी क्या थी? जीरो। तो स्प्रिंग तो नेचुरल लेंथ पे था, लेकिन जब ये पूरी तरह दब गया तो स्प्रिंग एनर्जी कितनी हो गई? हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर। आप इन्हें इक्वेट कर लें, जब आप इन्हें इक्वेट करेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर। यहां से सॉल्व करके एक्स मैक्स की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। ये ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम आएगी एक्स मैक्स के लिए, वो पूछेगा एक्स मैक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स मैक्स है। देखते आएंगे एक एक करके, देखते हैं कब तक क्या चलता है। यहां तक क्लियर है? कैसे एक्स मैक्स निकलेगा? क्लियर है? कई लोग देखो, पहली बार तो मैं ऐसे सिखा रहा हूं कि एनर्जी कंजर्वेशन है, आप मुझसे जब क्वेश्चन पूछेंगे मैं ऐसे थोड़ा करूंगा, मैं नहीं करूंगा ऐसे, मैं कहूंगा काइनेटिक स्प्रिंग एनर्जी में कन्वर्ट होगी, बातें खत्म हो गई। सीधा लगाऊंगा काइनेटिक स्प्रिंग एनर्जी में कन्वर्ट होगी, बात खत्म हो गई। लेकिन इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि आपको आपको इतना एक्सपीरियंस चाहिए कि आपको पता है कि बाकी एनर्जी नहीं लेनी। शुरू शुरू में सारी करके दिखा रहा हूँ, बाद में अपने आप शॉर्टकट बना लेना। क्या ये रूल समझ में आ रहे हैं यहाँ तक भी कि स्प्रिंग की प्रॉब्लम, एनर्जी कंजर्वेशन स्प्रिंग में? ज़्यादातर क्वेश्चन आपने नोट किया होगा एनर्जी कंजर्वेशन के साथ चल रहे हैं, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम इक्विलिब्रियम के साथ चलती है, जब मास हमेशा रेस्ट पे रह जाता है और वो इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन कर लेता है। बस अभी दिखाऊंगा कैसे। ये देखो, तो ये प्रॉब्लम तो क्लियर हो गई। नेक्स्ट है, आपकी बुक्स के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन या स्प्रिंग की प्रॉब्लम के जब आप सॉल्यूशंस पढ़ेंगे वो ऐसे नहीं सॉल्व करता जैसे मैंने किया कि सम ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट वन एंड एट पॉइंट टू सेम कर दो ना, ऐसे नहीं करता। आपकी बुक्स के सॉल्यूशन ऐसे लिखे जाते हैं, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी प्लस डेल्टा स्प्रिंग एनर्जी इक्वल टू जीरो, इसी को बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था ये कैसे। सेम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूं इस टेक्निक के साथ, आप बस मुझे ये बताओ कि ये इनिशियल सिचुएशन है और ये फाइनल सिचुएशन है, तो मुझे बताओ कि फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई? जीरो। और इनिशियल काइनेटिक कितनी थी? हाफ एम वी स्क्वायर। डेल्टा क्या बनेगा? फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा काइनेटिक का मतलब फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक, तो जीरो माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, नेक्स्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो, तो डेल्टा पोटेंशियल क्या बनेगा? जीरो में से जीरो जीरो। तीसरा, मैंने बताया था स्प्रिंग एनर्जी, जब यहां पे इनिशियली स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे था, नो एनर्जी ना स्प्रिंग, स्प्रिंग की कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन यहां पे स्प्रिंग की एनर्जी क्या हो गई? हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर, तो फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू जीरो कर लेना, आंसर वही आएगा। तुम्हारी मर्जी है, तुम मेरा मेथड वो यूज करना चाहते हो वन एंड टू पॉइंट, या आप डेल्टा यूज करना चाहते हो, आंसर दोनों में सेम ही आएगा। तो तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो उस पर डिपेंड करता है वो कैसे सोचता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ग्रेविटी भी कंजर्वेटिव है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब कंजर्वेटिव है। अगर फ्रिक्शन होती तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू जीरो, पर वो एनर्जी कंजर्वेशन ना कहलाता, उसको क्या बोलते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम। फिर वर्क एनर्जी थ्योरम हो जाती, और अगर फ्रिक्शन का लॉस नहीं है तो एनर्जी कंजर्वेशन कहलाती। हालांकि वर्क एनर्जी थ्योरम तो कहीं भी लिखी जा सकती है, प्रॉब्लम ही नहीं है कोई भी। अगर फ्रिक्शन होती, हाँ वो तुम्हारी हिसाब है ना, तुम जो लॉस हुआ उसको एडजस्ट बाय फ्रिक्शन करते हो, वो एक ही बात है, वो भी तो यही करता है। बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही है कि अगर टोटल एनर्जी शुरू में 100 थी, बाद में आपकी 80 हो गई, तो कहाँ गायब हुई? फ्रिक्शन। जिसके पास 80 है उसमें फ्रिक्शन का वर्क डन ऐड कर दो तो बन गया 100, 100 ऐड हो जाएगा, बराबर हो जाएगी। तुम्हारी मर्जी है। तो
तुम कैसे सोचते हो तुम्हारी मर्जी। जैसे मैं 1 और 2 पॉइंट सोचता हूँ तो मैंने अपना मेथड फॉर्मुलेट कर लिया। किताब ऐसे सोचती है, तुम सोचते हो जो जो कम कम वाली एनर्जी है उसमें फ्रिक्शन का वर्कडन ऐड कर दूंगी फिर आंसर आ जाएगा। सही है, ऐसे कर लो। हिसाब तो इक्वेशन है ना, इक्वेशन को तो बराबर करना ही पड़ेगा। अगली प्रॉब्लम, कई लोग पी वाई क्यू मेन्स के अंदर 2-3 क्वेश्चन थे, मैंने कहा था स्प्रिंग के क्वेश्चन छोड़ देना आपने जब डाउट से पूछे थे, उनमें से एक क्वेश्चन ये था। तो ये क्वेश्चन के अंदर मुझे पता नहीं क्वेश्चन क्या था, मैं कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ। एक स्प्रिंग लिया, एक स्प्रिंग के साथ एक पत्थर को बांध दिया, ये इसकी नेचुरल लेंथ है एल। आपने स्प्रिंग को मास एम लगा के ओमेगा के साथ घुमाना शुरू कर दिया, ओमेगा के साथ घुमाना शुरू कर दिया। अब जब ओमेगा के साथ आपने इसे घुमाया तो ये एक्सपैंड हो गया, कितना एक्सपैंड हो गया, एक्स एक्सपैंड हो गया। अगर मैं ओमेगा और ज़्यादा करता हूँ तो ये एक्स और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, और अगर मैं ओमेगा कम करता हूँ तो एक्सपेंशन कम हो जाती है, और अगर मैं ओमेगा जीरो कर देता हूँ एक्सपेंशन बिल्कुल जीरो होते हुए पत्थर लटक जाएगा और नेचुरल लेंथ पर स्प्रिंग आ जाएगा। सही है, पर क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है ओमेगा की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, क्वेश्चन में गिवन है ओमेगा कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब एक्स चेंज होने वाला नहीं है। स्प्रिंग सर्कल में घूम रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और स्प्रिंग के पास सेंट्रिपिटल है, मैं घुमा रहा हूं उसे तो मैंने उसको सेंट्रिपिटल दी। पत्थर तो बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, उसके पास सेंट्रीफ्यूगल है। जरूरी नहीं है, वो आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, आप सेंट्रीपिटल भी बोल सकते हो सेंट्रीफ्यूगल भी, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसे मर्जी बोल लो। चलो मैं ऐसे सेंट्रीफ्यूगल बोल देता हूँ। अब पत्थर बाहर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब कितने रेडियस में ये पत्थर घूम रहा है, एल प्लस एक्स, तो आर की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, एल प्लस एक्स, तो क्या बनेगा एम एल प्लस एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर। कोई डाउट है इसमें, एम आर ओमेगा स्क्वायर हो गया, और स्प्रिंग की फोर्स इसको वापस लाने की कोशिश कर रही है बाय अ फोर्स ऑफ के एक्स। अब ये बताओ पत्थर घूम रहा है ना, ये अंदर की तरफ आ रहा है ना ये बाहर जा रहा है, अब ये घूमते घूमते इसकी कौन सी पोजीशन है, इक्विलिब्रियम, क्योंकि टू एंड फ्रो मोशन बिल्कुल भी नहीं हो रही, स्प्रिंग अंदर बाहर जा ही नहीं रहा, वो तो कांस्टेंट ओमेगा पे घूम रहा है, तो ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसी के अंदर ये घूमता जाएगा रेडियस ऑफ एल प्लस एक्स। तो ये क्वेश्चन एनर्जी से सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इस मास की दो पोजीशन है ही नहीं, अंदर बाहर पोजीशन है ही नहीं, इसकी तो एक ही पोजीशन है, तो अंदर की फोर्स मस्ट बी इक्वल टू बाहर की फोर्स, तो के एक्स इक्वल टू एम एल प्लस एक्स ओमेगा स्क्वायर, यहां से ओमेगा पूछेगा, ओमेगा निकाल लेना आंसर। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि क्या लगेगा, अब इस क्वेश्चन के अंदर एनर्जी नहीं लगेगी, इसमें फोर्स लगेगी। अब ये तो एक्सपीरियंस है आपका कि आपने कितने क्वेश्चन पे ट्राई मार रखा है स्प्रिंग, तो आपको उतना ही एक्सपीरियंस होता जाएगा, आपको पता लग जाएगा देखते कि क्या लगेगा। ये पत्थर एल प्लस एक्स रेडियस में घूमेगा, बाहर फोर्स एक्ट कर रही है इतनी एम आर ओमेगा स्क्वायर, रेडियस क्या है इस पत्थर का एल प्लस एक्स, एक्स इज एक्सपेंशन, मैंने सेंट्रीफ्यूगल ली है ना, मतलब इस पत्थर को बाहर की तरफ फेंका जा रहा है और स्प्रिंग की फोर्स अंदर की तरफ है के एक्स, तो मैं इसमें के एक्स बाहर और अंदर की फोर्स को बराबर कर रहा हूँ, बराबर करके नेट फोर्स जीरो करके इसको एल प्लस एक्स रेडियस में घुमाता जा रहा हूँ, ये इसका मतलब। अब जो अगला कॉन्सेप्ट है, देखो जो अगला कॉन्सेप्ट है ये बहुत आता है, ये बहुत आता है पेपर में, 2-3 चीज़ें तो बहुत आती हैं, मैं बताता हूँ कैसे। उनमें से ये एक क्वेश्चन है, अगर मान लो ये एक स्प्रिंग है और साथ में दो मासेस लगे हुए हैं M1 एंड M2, और मैंने इसे मान लो पुश कर दिया एक मास को इधर एक मास को इधर, दोनों को ऐसे पुश करके छोड़ दिया, या चलो नहीं भी छोड़ा, मैंने इनको फोर्स लगाई लेफ्ट और राइट, तो इक्वेशंस क्या बनेंगी, इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझना है इसको मैं समझाता हूँ, ये कैसे लिखा मैंने। देखो सबसे पहले मान लो ये आपका एक स्प्रिंग है और ये नेचुरल लेंथ पे है, ना ये कंप्रेस्ड है ना ये एक्सपेंडेड है। मैंने क्या किया, यहाँ पे इस मास, यहाँ पे मास लगा हुआ था M1 और यहाँ पे मास लगा दिया M2, तो मैंने इसे फोर्स अप्लाई की M2 को इस तरफ और M1 को इस तरफ, और मैंने एक्सेलरेशन भी प्रोवाइड की M1 A1 और इस तरफ F2 इज इक्वल टू M2 A2। कई लोग ये सोचते हैं कि आप इसे ऐसे खींच रहे होंगे F1 F2 से, आप उल्टा भी अज्यूम कर सकते हैं, मैं गया मैंने इसको ऐसे दबाया था और छोड़ दिया,
दबा के छोड़ा, अब ये भागना शुरू हो गया, एक एम वन ए वन के साथ, एक एम टू ए टू के साथ। कोई बोला ये ए वन ए टू कैसे, एक्सलेशन सेम होनी चाहिए थी, सेम नहीं होगी क्योंकि मास डिफरेंट है। तो किसी ने ये पूछा एक मिनट के लिए, अच्छा ये समझाओ कि इस स्प्रिंग के अंदर फोर्स होगी, बिल्कुल होगी, जब जब ये एक्सपेंडेड होगा या कंप्रेस्ड होगा इसमें फोर्स तो पक्का होगी, मानते हो इस चीज को। अब उल्टा भी अज्यूम कर सकते हो, जरूरी नहीं है, आप अपने क्वेश्चन में वो क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है, वो क्वेश्चन ऐसा दे सकता है कि आपने इसको एक्सपैंड किया था, ये लो मैं उल्टा क्वेश्चन दे देता हूँ, आपने इसे एक्सपैंड किया था, इतना एक्सपैंड कर दिया और फिर छोड़ दिया, ये लो ऐसे कर लो, एक ही बात है, ये लो छोड़ दिया, अब छोड़ा तो ये वापस जाने की कोशिश कर रहा है, तो एम वन ए वन के साथ, एम टू ए टू के साथ। अब किसी ने पूछा ये ए वन ए टू क्यों, मैंने कहा मास डिफरेंट था, एक्सलेशन भी डिफरेंट है, तो उसने कहा नहीं समझ में नहीं आया, क्या पता सेम हो, आप कैसे कह सकते हैं कि डिफरेंट है। स्प्रिंग पूरे चैप्टर के अंदर मासलेस है, ये बात हुई थी, स्प्रिंग का मास नहीं लेना, स्प्रिंग तो उस खींची हुई रस्सी की तरह, रस्सी स्प्रिंग में क्या आ जाती है, टेंशन, स्प्रिंग में भी आ जाती है फोर्स, स्प्रिंग की फोर्स को टेंशन भी बोल सकते हैं। अब स्प्रिंग की फोर्स कितनी है, मान लो इस पूरे प्रोसेस में एक्स क्या है, एक्सपेंशन, स्प्रिंग एक्सपैंड हो गया, एक्स एक्सपैंड हो गया, तो स्प्रिंग के ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगी के एक्स एंड के एक्स, चेक कर लो, एक्स एक्सपैंड हुआ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप कहीं गलती से भी ऐसा मत बोल देना कि के एक्स वन के एक्स टू, ना, स्प्रिंग के अंदर एक ही फोर्स काम करेगी, इक्वल एंड ऑपोजिट, और वो इक्वल एंड ऑपोजिट जो फोर्स है वो इसलिए सेम है क्योंकि स्प्रिंग का मास नहीं है। जैसे याद करो रस्सी के अंदर टेंशन होती थी, टेंशन पेयर में एक्ट करती थी और टेंशन सेम होती थी अगर रस्सी का मास नहीं है, मास स्ट्रिंग में टेंशन सेम होती है, और जिनमें मास होता है उनके अंदर टेंशन डिफरेंट है, तो ये मासलेस है तो फोर्स इनमें तो बराबर ही है। क्या ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो इसके अंदर किसी ने पूछा कि ये फोर्स इसको वापस लेके आ रही है, मैंने कहा हाँ लेके आ रही है, तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से जो स्प्रिंग की फोर्स है वही तो इसके ऊपर एक्ट कर रही है और क्या प्रोवाइड कर रही है, एक्सेलरेशन। और यहां पर मैंने तो छोड़ दिया था इसे, तो जो स्प्रिंग की फोर्स है वही तो इसे क्या प्रोवाइड कर रही है, एक्सेलरेशन, चेक करना, वो भी के एक्स, ये भी के एक्स, के एक्स के एक्स तो बराबर रहेगा, तो एम वन ए वन इक्वल टू एम टू ए टू, बुक्स में थोड़ी ना एक्सप्लेन करेगा। बिल्कुल, स्प्रिंग अलग है तो स्प्रिंग अलग है, स्प्रिंग कांस्टेंट अलग है, स्प्रिंग की फोर्स अलग है, वो मैं करवा रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, स्प्रिंग सीरीज पैरेलल अभी करवा रहा हूँ, वो आने वाला है, स्प्रिंग कॉम्बिनेशन आने वाला है, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन तो मैं ये बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ना किसी क्वेश्चन के अंदर ऐसा हो सकता है कि आपको वो क्वेश्चन दे, ए वन ए टू दे, और आपसे एम वन दे, एम टू दे, ए वन दे, वो पूछे मैंने स्प्रिंग को खोल के छोड़ दिया, ए टू बताओ क्या होगा, तो तुम डायरेक्टली अप्लाई कर देना एम वन ए वन इज इक्वल टू एम टू ए टू, ये शॉर्टकट है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, एम वन ए वन इज इक्वल टू एम टू ए टू कैसे हुआ, मैंने प्रूफ दिया क्यों। और इवन यही नहीं, ऐसा भी हो सकता है आपको ए वन की जगह वेलोसिटी वी वन दे दे और ए टू की जगह वेलोसिटी वी टू दे दे, तो आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू, अलाउड है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, जब भी आप स्प्रिंग को खींचेंगे और छोड़ेंगे तो एम वन वी वन एम टू वी टू एप्लीकेबल है, और ये बहुत आते हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर, एम वन वी वन एम टू वी टू आता है क्वेश्चन में, ऐसे ऑब्जेक्टिव आते हैं, बहुत बड़े बड़े तो नहीं आते पर ये तो आते हैं। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट प्रॉब्लम,
अब ये देखो, इस टाइप की प्रॉब्लम आप जो लोग डीसी पांडे की बुक करते हैं उसके अंदर ये प्रॉब्लम गिवन भी है, तो उनको आएगी भी वो स्प्रिंग गिरा हुआ है कैसे कॉन्सेप्ट लगाना है। मैं बता देता हूँ, मैं क्वेश्चन तो नहीं करवा रहा, क्वेश्चन वहीं पे आपको न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ दिखेगा, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। देखो क्वेश्चन ये, आपके पास ना ये एक ट्रे है, एक ट्रे है, ट्रे ना मासलेस है, ये ट्रे है और ये इसका कोई मास नहीं है, और ये ट्रे एक स्प्रिंग के ऊपर टिका के रखी हुई है, और ये ट्रे का मास नहीं है तो स्प्रिंग कंप्रेस नहीं है, दबा नहीं हुआ। मास होगा तभी दबेगा ना, जब मास नहीं होगा दबेगा कैसे? तो ये डायग्राम है, ठीक है यहाँ तक? तो स्प्रिंग का मास नहीं, ये डायग्राम है। तुमने क्या किया, एक बॉल ली या कोई भी एक बॉडी ली, बॉडी इसके ऊपर गिरी और इसके ऊपर चिपक गई और दोनों ने मिलके स्प्रिंग को कंप्रेस किया। तो जैसे ही ये बॉल इसके ऊपर गिरी, इसने ट्रे को नीचे पुश कर दिया। अब कितने लोग एग्री करते हैं कि ट्रे यहीं रहेगी, और कितने एग्री करते हैं कि स्प्रिंग उठा के इसे वापस फेंकेगा ऊपर? वापस फेंकेगा नहीं फेंकेगा? कितने लोग बोलते हैं फेंकेगा, कितने लोग नहीं फेंकेगा? सबको पता लग गया स्प्रिंग का नहीं फेंकेगा, ठीक है। मान लो ये ट्रे ट्रू कुछ नहीं है, ये इमेजिन कर लो ये आपका बेड का गद्दा है, मोटा सा गद्दा है, और अंदर जबरदस्त स्प्रिंग लगे हुए हैं। ये देखो ये स्प्रिंग, आप आए, आपने जंप किया, ये आप गिर गए इसके ऊपर। अब ये कहाँ जाएगा? नीचे। नीचे जाके कहाँ आएगा? ऊपर। क्वेश्चन ये है कि ये कितना कंप्रेस हुआ ये बताया जाए, मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा ये बताया जाए। पहले इस चीज़ को डिसाइड कर लें कि जब ये बॉल इसके ऊपर आएगी और दोनों मिलके यहाँ पे आएंगे, ये इसकी परमानेंट पोजीशन थोड़ी ना, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है, ये टू एंड फ्रो मूव करेगा। इसका मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स हम यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे? एनर्जी कंजर्वेशन। सही है, एनर्जी कंजर्वेशन के अंदर एक काम करेंगे, ये ट्रे यहां से यहां आ गई, लोएस्ट पॉइंट को, जहां तक इसके बाद तो क्वेश्चन ही खत्म है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, और मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, ये पॉइंट नंबर वन है और ये पॉइंट नंबर टू है। पॉइंट नंबर वन पे सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस स्प्रिंग एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पॉइंट नंबर टू पे काइनेटिक एनर्जी प्लस स्प्रिंग एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या रहेगा? सेम। करें स्टार्ट, आंसर देना प्लीज। काइनेटिक एनर्जी, इस बॉल को यहां पे ड्रॉप किया गया था तो बोलो काइनेटिक क्या है? जीरो। ये बॉल की स्प्रिंग एनर्जी कितनी है? जब ये बॉल हवा में है, ट्रे इस पोजीशन पे है, स्प्रिंग बिल्कुल भी कंप्रेस्ड नहीं है, जब बॉल गिरी नहीं तो स्प्रिंग को तो छेड़ा ही नहीं हमने, तो स्प्रिंग की एनर्जी भी जीरो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अब ये ग्राउंड है, जब ये यहां पे है तो इस ग्राउंड से कितनी हाइट पर है? एच प्लस एक्स, तो क्या बनेगा? एम जी एच प्लस एक्स। कोई डाउट इसमें? ठीक है। अब जब ये नीचे आ गई, यहां पे आ गई, टू नंबर पॉइंट पे आ गई, टू नंबर पॉइंट पे काइनेटिक क्या हो जाएगी फॉर एन इंस्टेंट? जीरो। स्प्रिंग कंप्रेस हो चुका है, कितना? हाफ के एक्स स्क्वायर, और ग्रेविटेशन एनर्जी क्या हो चुकी है? तो आप इन्हें इक्वेट कर लें, एम जी एच प्लस एक्स इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, आंसर आ गया। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है। और अब अगर तुम मुझे ये क्वेश्चन दो कि सर आप भी ऐसे करोगे? नहीं, मैं ऐसे नहीं करूंगा। ओके, हमें क्यों करवा रहे हो, पहली बार कर रहे हो ना। तो मैं इसको ऐसे करूंगा कि मैं ये सोच लूंगा ये मेरा ग्राउंड है, मेरे पास जब ये बॉल यहां पर है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एनर्जी है, एम जी इंटू एच प्लस एक्स बस, और जब ये बिल्कुल डाउन आ जाएगी तो एक ही एनर्जी है, स्प्रिंग की एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी है स्प्रिंग की एनर्जी में, डन। पर इसमें थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, आप पहले दो चार प्रॉब्लम नॉर्मल तरीके से करना, फिर ही करना, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। तो समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? ठीक, स्प्रिंग की प्रॉब्लम्स कितनी का आती हैं, चलो इसके ऊपर डिस्कशन भी कर लें, ये तो बहुत जरूरी है, कितना का एफर्ट लगाना है पता तो लगे। अगर आप जेई मेंस की बुक उठा लें, वर्क एनर्जी पार, 23 साल में दो क्वेश्चन आए हैं वर्क एनर्जी पार में, और सर्कुलर मोशन में तीन आए हैं, वो भी एक तो मैंने करवाई दिया इसी लेवल के, इतना बड़ा क्वेश्चन कोई नहीं आ रहा। ठीक, आप कहोगे बस, बट क्या पता
तुम्हारी बारी में तीसरा क्वेश्चन आ जाए या छठवां या सातवां क्वेश्चन आ जाए, तो मैं तो देखो डर के पढ़ाता हूँ थोड़ा सा कि क्या पता लगता है आई जाए तो मैं क्या जवाब दूंगा किसी को। तो मैं तो आपको बिल्कुल ठीक तरीके से पढ़ा रहा हूँ, और जितने स्प्रिंग के क्वेश्चन हैं मैं तो सारे दिखा दूंगा आपको। स्प्रिंग फिर क्यों कर रहे हैं इतना, एक चैप्टर आए, देखो स्प्रिंग एक कॉन्सेप्ट है, स्प्रिंग कोई चैप्टर नहीं है। ये ना कहीं भी आ जाएगा, ये लिक्विड के अंदर भी आ जाएगा। बॉडी तैर रही है, नीचे स्प्रिंग लगा दिए, स्प्रिंग के साथ बांध के बॉडी को तैरा दिया आपको कि स्प्रिंग, तो स्प्रिंग की फोर्स लेनी पड़ती है आप थ्रस्ट के साथ। फिर एक टॉपिक आएगा SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें पेंडुलम है, पेंडुलम स्ट्रिंग पे चलते हैं, वो स्प्रिंग लगा देगा साथ में। अब देखो मुश्किल हो गई ना, तो स्प्रिंग ऐसा नहीं है कि आपको एक्सक्लूसिव स्प्रिंग के ऊपर ही सब कुछ आएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। बीच बीच में कहीं कहीं स्प्रिंग यूज होता जाएगा, पर हम इतनी डिटेल में कर लेंगे कि आज से अगर 2 साल तक कभी भी स्प्रिंग आया ना, कम से कम स्प्रिंग की वजह से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मेरी बात गारंटीड है। इतना करने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसलिए स्प्रिंग के लिए इतना टेंस ना हो कि पता नहीं यार ये हमसे कोई टेस्ट लेगा, तुम्हारे टेस्ट के अंदर भी एक आध क्वेश्चन आएगा, वो भी टेंशन मत लो आप। जो NCERT में आना था मैंने लास्ट टाइम करवा दिया, उसकी एक शीट है, वो आपको होमवर्क दूंगा, जो आज के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। टू हार्ड प्रॉब्लम नहीं आती, नॉर्मल प्रॉब्लम आती है। कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है आप ये बताता हूँ। जैसे एक सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम तो मैंने बताई थी क्या आती है प्रॉब्लम, ये आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर जिन्होंने लॉज ऑफ मोशन किया हो, एक आध क्वेश्चन ना स्प्रिंग के साथ भी अब दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपको बुक्स में, क्योंकि हमने तो सिर्फ स्प्रिंग के साथ क्वेश्चन किया, स्प्रिंग तो किया ही नहीं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ जिसमें पुली के साथ स्प्रिंग अटैच है, तो एटलीस्ट आपको पता हो कि आपको सोचना कैसे है क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक पुली है, इस पुली के यहाँ मैंने एफ फोर्स लगा दी और मैंने इसको खींच दिया। अब प्रॉब्लम है ये स्ट्रिंग यहाँ पर, ये जो स्ट्रिंग है ये तो बंधी हुई है, तो मैंने यहाँ पर एफ फोर्स लगाई। जब मैंने यहाँ पर एफ फोर्स लगाई तो ऊपर का स्प्रिंग खिंच गया, क्योंकि पूरी की पूरी पुली ही नीचे आ गई घूमती घूमती। अब ये मूविंग पुली का क्वेश्चन बन गया। हमने किया था मूविंग पुली, हमने क्या कॉन्सेप्ट किया था कि अगर यहाँ पर टेंशन टी है तो यहाँ पर टेंशन क्या हो जाती है 2T, तो अगर यहाँ फोर्स एफ है तो यहाँ पर फोर्स क्या हो जाती है 2F। इवन मैंने तो आपको ये भी करवाया था, जहाँ टेंशन डबल है वहाँ एक्सेलरेशन हाफ है, एक शॉर्टकट था, जहाँ टेंशन डबल है वहाँ डिस्प्लेसमेंट भी हाफ है, एक ही बात है। तो अगर तुमने इसको वाई डिस्प्लेस किया तो इस पोर्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी y/2, अगर ये a है a/2, y है y/2। अब स्प्रिंग की फोर्स तुम्हें पता है कितनी 2F, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट तुम्हें गिवन होगा k, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है y/2। ये ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछेगा व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, ये आंसर है। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, मतलब सेम ही कॉन्सेप्ट है, एफ की जगह 2F कर देना है, वाई की जगह 2y/2 कर देना है, और फिर स्प्रिंग का फॉर्मूला लगा लेना है F=kx वाला आंसर। क्लियर है यहां तक? ये क्वेश्चन सीरीज और पैरेलल का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये NCERT का पार्ट है, मैं पहले बता दूं आपको, और ये बहुत आता है मेंस तक, नीट तक, आम बात है इसका आना। इसका प्रूफ नहीं आता, पर बड़ा अजीब लगेगा मैं आपसे अगर ये बोलूं कि अगर 2 स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड हैं तो तुम ना इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, याद है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला करते थे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि 2 की जगह अगर 1 रेजिस्टेंस लगानी है उसकी वैल्यू क्या होगी, 2 की जगह अगर 1 स्प्रिंग लगाने हैं तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट का ये फॉर्मूला है, सीरीज में पैरेलल में ये फॉर्मूला है। अब मैं अगर ये कह के घर चला जाऊं, आप ना जरूर सोच ही जाओगे घर पे जाके, यार ये हुआ क्या है यार, कैसे कैसे हुआ। तो आप मेरे से पूछ सकते हो नेक्स्ट टाइम कि सर ये कैसे किया, प्रूव कैसे किया आपने। तो पहले मैं इसका ना लॉजिक बताता हूँ किया क्या है इसने। हालांकि ये लॉजिक आपसे तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपसे इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे सीरीज और पैरेलल के। पहले पॉइंट को समझ लेते हैं। अगर आपके 2 स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड हैं, सीरीज में, किसके पास शीट नहीं है, स्प्रिंग वाली शीट ना, स्प्रिंग वाली लास्ट टाइम दी थी स्प्रिंग वाली, कितने हाथ खड़ा करना, 1 2 3 4 5 6 ठीक है। स्प्रिंग अगर सीरीज में है, सीरीज में याद है क्या होता था, R1 R2 सीरीज में, ऐसी अगर 1 स्प्रिंग और 2 स्प्रिंग सीरीज में है तो एक के बाद दूसरा स्प्रिंग लगा होगा K1 एंड K2, और ये मास M लगा हुआ है। मैं ये चाहता हूँ
दो स्प्रिंग की जगह एक स्प्रिंग लग जाए, जो वही काम करे जो दो स्प्रिंग मिलके करते थे, तो इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना। ठीक है, तो मैं केएस निकालना चाहता हूँ। लॉजिक समझो इसके पीछे क्या है, अपने दिमाग से सोच के बताना। अगर मैंने इस पे फोर्स एफ लगा दी, खींच रहा हूँ मैंने खींच रहा हूँ राइट, तो क्या ये और ये स्प्रिंग इक्वल खींचेंगे या डिफरेंट खींचेंगे? क्यों डिफरेंट खींचेंगे? नहीं, वो इसलिए नहीं कि तुमने x1 x2 लिखा हुआ है, लॉजिक बताओ ये x1 x2 डिफरेंट क्यों होंगे? क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट है, एक हार्ड स्प्रिंग है और एक सॉफ्ट स्प्रिंग हो सकता है। तो अगर तुमने ये 10 kg का मास लगा दिया तो एक पे ज़्यादा असर पड़ रहा है और एक पे नहीं पड़ रहा है, एक ज़्यादा इलास्टिक है कम इलास्टिक है, मानते इस चीज़ को? तो बराबर खींचते, ठीक, यहाँ तक क्लियर है? तो इसका मतलब ये बराबर नहीं खींचने वाले, x1 x2 एक्सपेंशन होने वाली है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे स्प्रिंग का मास तो नहीं है ना, इस पूरे स्प्रिंग का मास तो नहीं है, और अगर मास नहीं है तो आज मैंने आपको बताया फोर्स की वैल्यू रिमेन्स सेम। पूरे स्प्रिंग में, पूरी लाइन ऑफ स्प्रिंग में टेंशन जैसे सेम रहती है, स्प्रिंग की फोर्स भी विल रिमेन सेम। तो अगर इसके अंदर फोर्स डेवलप होगी एफ, इसके अंदर एफ फोर्स सेम होगी, एक्स डिफरेंट होगा, के भी डिफरेंट है। और अगर तुम दो की जगह एक स्प्रिंग लगाओ, वो कितना एक्सपैंड हो गया? एक्स। पर मैं ये चाहता हूं कि वो भी वही काम करे जो ये करता है। ये क्या करते हैं, कितना एक्सपैंड होते हैं? x1 एंड x2। वो कितना एक्सपैंड होता है? एक्स, बाय अप्लाइंग अ सेम फोर्स ऑफ एफ। देखो कॉम्पिटिशन सेम रखना पड़ेगा ना, एफ और एफ सेम। तो यानी कि x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, जो नया स्प्रिंग है उसका जो x होगा पुराने स्प्रिंग के डिस्प्लेसमेंट्स के इक्वल होगा। पहला रूल क्लियर है यहाँ तक? पुराने में x1 x2 है, नए में x है, x x1 प्लस x2 के बराबर हो जाएगा। अब मेरे को ये पता है कि जो स्प्रिंग की फोर्स होती है वो क्या होती है, माइनस के एक्स होती है। तो x क्या होता है? माइनस एफ बाय के होता है। तो x1 की जगह क्या पुट करेंगे? माइनस एफ बाय k1। x2 की जगह क्या पुट करेंगे? माइनस एफ बाय k2। f तो सेम है तीनों में, और नए स्प्रिंग में क्या पुट करेंगे? माइनस एफ बाय ks। माइनस एफ माइनस एफ माइनस एफ कैंसल, वो फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर कर लो, स्प्रिंग इन सीरीज लगा के ये नोट करो, 1/ks इज 1/k1 प्लस 1/k2। बहुत बार ये फॉर्मूला यूज होने वाला है, मैं पहले बता दूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब प्रूफ तो नहीं कहूँगा लेकिन ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/ks का मतलब स्प्रिंग जब सीरीज में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या बनेगा? 1/k1 प्लस 1/k2। ये पहला फॉर्मूला है। सही है यहाँ तक? स्प्रिंग एक ही स्प्रिंग जा रहा है, सारा मासलेस है, टेंशन सेम रहती है स्प्रिंग में, फोर्स भी सेम रहेगी, मास ही नहीं है। हाँ तो एक्स डिफरेंट हो गया, जैसे मैंने दोनों पे फोर्स 10 न्यूटन 10 न्यूटन लगाया, पर एक ज़्यादा हार्ड है, एक्स कम करेगा 10 न्यूटन पे और दूसरा 10 न्यूटन पे एक्स ज़्यादा कर देगा, ऐसे। ठीक है ना? अब नेक्स्ट लॉजिक समझो, पैरेलल। पहले पैरेलल का लॉजिक समझते हैं। पैरेलल किसे बोलते हैं? ये पैरेलल है, ये स्प्रिंग्स पैरेलल है। मैं ये चाहता हूँ कि K1 K2 दो डिफरेंट स्प्रिंग्स हैं, एक हार्ड है एक सॉफ्ट है, तो मैं ये चाहता हूँ कि दो की जगह एक स्प्रिंग लग जाए। अब ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं अगर इसे खींचूं नीचे बिना मास को टेढ़ा किए, बिल्कुल सीधा खींचना चाह रहा हूं, तो अगर मैं बिल्कुल सीधा खींचूं तो x की वैल्यू इसमें सेम होगी। मैं ऐसे बोलता हूं, मैं ऐसे खींच रहा हूं कि दोनों में x सेम हो जाए, क्योंकि अगर मैं टेढ़ा खींच रहा हूं तो x डिफर हो सकता है। मैं सीधा खींच रहा हूं
तो ये भी उतना खींचना चाहिए, ये भी इतना खींचना चाहिए, लेकिन ये अंदर की बात है कि जब मैं इसे खींच रहा हूँ तो मेरी लेफ्ट और राइट पे जो हाथ पे फोर्सेस हैं वो डिफरेंट होंगी, क्योंकि इनमें से एक हार्ड स्प्रिंग है और एक सॉफ्ट है। तो ये मुझे पता है फोर्स लगाते हुए, एक में ज़्यादा फोर्स है एक में कम है, क्योंकि आपने तो मेरे को कमांड दे दिया कि सर एक्स सेम कर दो, पर मुझे पता है कि मैंने कैसे किया, एक पे ज़्यादा हार्ड है एक सॉफ्ट है। तो आपने नोट किया एफ की वैल्यू दोनों में डिफरेंट है, एफ डिफरेंट हो गया, सही है यहाँ तक। अब यहाँ पे टोटल एफ दोनों हाथ मिला के टोटल फोर्स क्या लगी, एफ वन प्लस एफ टू, दोनों हाथों पे फोर्स एफ वन प्लस एफ टू, तो टोटल सिस्टम पे फोर्स क्या लगी, एफ वन प्लस एफ टू। और अगर एक एक स्प्रिंग लगाया जाए दो की जगह तो टोटल फोर्स क्या लगेगी, एफ, वेयर एफ इज इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू। और अगर मैंने इन दोनों को एक्स खींचा तो इसको भी मैं एक्स ही खींचूंगा, ताकि तभी कंपैटिबिलिटी बनेगी, तभी कॉमन चीज़ बनेगी। तो इसकी स्प्रिंग की फोर्स क्या है, फर्स्ट स्प्रिंग की माइनस के वन एक्स माइनस के टू एक्स माइनस के पी इंटू एक्स माइनस एक्स कैंसल। फॉर्मूला नोट कर लो, पैरेलल कॉम्बिनेशन है के वन प्लस के टू, पैरेलल कॉम्बिनेशन में के वन प्लस के टू फॉर्मूला नोट करो। अगर आज के बाद स्प्रिंग पैरेलल में, भूलना नहीं है, ये कम से कम एक साल काम आएगा, के वन प्लस के टू, ठीक है यहाँ तक। इसका प्रूफ नहीं आएगा, वैसे पूछना चाहते पूछो, वैसे ठीक है, आपसे प्रूफ नहीं पूछेगा कोई, फॉर्मूला पूछेगा, रादर आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, सुन लो, आपको क्वेश्चन में वो ये पूछेगा कि सपोज आपके पास ये एक स्प्रिंग है के, ये एक और स्प्रिंग है के, इन दोनों की जगह अगर एक स्प्रिंग लगाना है तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। मैंने फॉर्मूला क्या करवाया, के वन के टू के वन प्लस के टू, यही फॉर्मूला था ना, इसको सॉल्व करके यही फॉर्मूला आएगा। तो यहाँ पे के एस की वैल्यू क्या आएगी, के इंटू के बाय के प्लस के, कितना आंसर आएगा, के बाय टू, सही। दो की जगह एक स्प्रिंग लगेगा तो ऐसा लगेगा। फिर क्वेश्चन ऐसा आएगा कि मान लो आपके पास एक स्प्रिंग है, आपके पास दूसरा स्प्रिंग है, ये के है ये के है, तो इसको सॉल्व करके इक्वलेंट स्प्रिंग कॉन्स्टेंट क्या आएगा, टू के, के वन के टू टू के। ये पॉइंट क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन इसकी जगह एक्चुअल में ये आएगा जो मैं पूछने जा रहा हूँ, ये बहुत आता है, ये बना लो एक मास है, ये मास बनाओ, दो स्प्रिंग्स बनाओ के वन एंड के टू, आपको इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट बताना है क्या होगा, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। देवे स्प्रिंग में टेंशन होती है, टेंशन एफ इज इक्वल टू के एक्स को ही टेंशन बोलते हैं। स्प्रिंग की असाइनमेंट किसके पास नहीं है, ठीक है। तो इसमें के वन एंड के टू दो स्प्रिंग्स हैं, मास है, बोलो सीरीज में कनेक्टेड है कि पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आंसर क्या आएगा, वन बाय के एस इज वन बाय के वन प्लस वन बाय के टू। जब आप पेपर में करोगे और बोलोगे सीरीज में है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इतना तो मैं भी बुद्धू नहीं लगता कि मैं तुम्हें ये क्वेश्चन सीरीज का पूछूंगा, दोबारा मिटा के बोलो कहूँगा लिखो, बिल्कुल भी नहीं। सीरीज तो तब है जब बीच में मास नहीं होता, स्प्रिंग के साथ इमीडिएटली एक और स्प्रिंग कनेक्टेड है तो सीरीज है, ये सीरीज नहीं है। तो कोई कहता है देखो अगर सीरीज में है, अभी पैरल तो बिल्कुल भी नहीं है, शक्ल से देखो तो सही पैरल कैसे हो सकते हैं, ये कुछ भी नहीं है, ना ये सीरीज है ना ये पैरल है, ये पैरल है आपको कि दिख नहीं रहा पैरल, मुझे पैरल थोड़ा ना होता है, पैरल तो वो होता है कि दो स्प्रिंग इकट्ठे पड़े हों। देखो मैं आपको दो तीन मेथड दिखाता हूँ ये पैरल है। पहला मेथड, इमेजिन करो मैंने इस मास को राइट शिफ्ट किया एक्स, देखो मैं फोर्स लगा रहा हूं, ये मैंने फोर्स लगाई अपने हाथों से, जब मैंने फोर्स लगाई तो ये स्प्रिंग कंप्रेस हुआ एक्स, तो ये उतना ही एक्सपैंड हुआ एक्स, और फोर्स की वैल्यू अनइक्वल है क्योंकि एक हार्ड स्प्रिंग है एक सॉफ्ट स्प्रिंग है, मुझे फोर्स एफ वन एफ टू लगानी पड़ रही है। यही तो था पैरेलल, चेक कर लो पैरेलल में एक्स की वैल्यू क्या होती थी, सेम। इमेजिन कर पा रहे हो अभी जो प्रूफ किया था पैरेलल का, उसमें यही तो किया था कि एक्स की वैल्यू दोनों स्प्रिंग में क्या हो जाती है, सेम। कोई कहता नहीं यार ये तो बात सही नहीं है, मतलब ये थोड़ी ना एक्स सेम में पैरेलल हो जाएगा, मज़ा नहीं आया,
चलो मेथड टू, नहीं आया कोई बात नहीं, तुम एक काम कर लो, तुम इस दीवार से स्प्रिंग को उखाड़ दो और हवा में लटका दो, दोनों को ऐसे पकड़ के। हवा में जब ये लटकेगा, देख रहे हो ये स्प्रिंग हवा में, ये स्प्रिंग भी हवा में, और ये रहा मास आपका एम। देख लो, लटकाओ हवा में, ये देखो अब दिखना स्टार्ट हुआ। हाँ ये पैरेलल है, पैरेलल है। अब अगर तुम इसके एम नीचे एक्स करोगे, एक्स और एक्स सेम हो जाएगा। अब वही डायग्राम बन गया जो आप देखना चाहते हो, समझ में आ रहा है। और तीसरा मेथड जो मैं यूज़ करता हूँ, मेरे को याद है ये पैरेलल ही है। मैं जब क्वेश्चन आएगा तो मैं क्या सोचूंगा, अच्छा एक्स सेम होगा, अच्छा ऐसे करूँगा। भाई ये कई साल से पैरेलल ही चल रहा है, ये पैरेलल ही है। देखते ही दिमाग मत लगाना, सीधा बोल देना पैरेलल, तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, के वन प्लस के टू, आंसर मार्क कर देना, ऑब्जेक्टिव आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। वहाँ आपसे कोई पूछ तो ना रहे, तो मैंने आपको डायग्राम बता दिया, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायग्राम है, ठीक। तो आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा, वो कहेगा ये मान लो आपके पास एक मास है, ये मान लो आपके पास एक पहला स्प्रिंग है, ये मान लो आपके पास दूसरा स्प्रिंग है, ये मान लो आपके पास तीसरा स्प्रिंग है, के के एंड के। मेरे को इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट बताना है क्या है पूरे सिस्टम का। ये दो स्प्रिंग किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल। हाँ ये तो पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो नया डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा, पैरेलल में ये 2k बन जाएगा और ये के। अब मैंने आपको बताया ना 2k और k, अगर ऐसा डायग्राम है तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो आंसर क्या बनेगा, 2k प्लस k यानी कि 3k, ऐसे आंसर आएगा। तुमसे कोई ना पूछेगा पेपर में तुम कैसे सीख के आए पैरेलल सीरीज, सीधा क्वेश्चन देगा, सीधा पूछेगा सीरीज पैरेलल डन, ये आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में। और आए ये तो कर ही लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। प्रूफ तो आपकी और मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए है कि मेरे को अच्छा लगा कि मैंने आपको बता दिया, आपको अच्छा लगा कि हाँ अच्छा ठीक है ऐसा कुछ होता है। आपसे न्यूमेरिकल के अंदर प्रूफ नहीं पूछे जाएंगे और स्कूल में भी नहीं पूछे जाएंगे, स्कूल वाला काम तो खत्म हो चुका हमारा। तो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिकल करेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्टिव आता है, ये ऑब्जेक्टिव कभी ना कभी जरूर आपको रास्ते में मिलेगा ही मिलेगा, पक्का मेरी शीट में मिलेगा। ये नोट कर लेना फॉर्मूला रजिस्टर में कि स्प्रिंग कांस्टेंट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। इसे अलग से नोट कर लेना फॉर्मूला रजिस्टर में, फॉर्मूला रजिस्टर में नोट कर लेना कि स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो ऑब्जेक्टिव ऐसे आएंगे, वो कहेगा आपके पास एक स्प्रिंग है जिसका कांस्टेंट के है और लेंथ उसकी एल है। मैंने इस स्प्रिंग को दो हिस्सों में काट दिया, कट कर दिया, तो लेंथ क्या होगी, एल बाई टू एल बाई टू। अब क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, लेंथ आधी होगी, स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो गया, तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या बन जाएगा, 2k 2k। अगर तुमने इस स्प्रिंग को जिसकी लेंथ एल है तीन इक्वल हिस्सों में काट दिया, तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितने टाइम हो जाएगा, 3 टाइम, L/3 रेसिप्रोकल 3k। अगर तुमने L/3 2L/3 काट दिया, रेसिप्रोकल 3k और 3k/2, ऐसे क्वेश्चन आएगा, समझ में आ रहा है। तो लेंथ के रेसिप्रोकल, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो ये आप नोट कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन में ऐसा आएगा, एक स्प्रिंग लेगा उसे काट दो तो वो 2k 2k कर देगा, फिर कहेगा इसको पैरेलल में लगा दो, 2k 2k पैरेलल में, आंसर क्या आएगा, 4k, आंसर 4k मार्क करेगा, ऐसे पूछेगा, सही है यहाँ तक। ये रूल भी क्लियर हो गया, ये कर लिया हमने क्वेश्चन वेलोसिटी वी वाला, डन। ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, आपके एनसीईआरटी में ऐसी प्रॉब्लम आती हैं, देखो कैसे। इस क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसे गिवन होगा कि ये मास है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, और इसके अंदर ये मास स्लाइड करता हुआ एक स्प्रिंग की तरफ गया, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है, स्प्रिंग का के 10 है, और ज़ोरदार टक्कर होने से स्प्रिंग पूरी तरह कंप्रेस हो गया,
तो स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस कितना हुआ ये बताओ। तो जब ये मास यहाँ पे था, सम ऑफ पोटेंशियल स्प्रिंग एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और जब ये मास यहाँ पे आ जाएगा और इसे कंप्रेस करेगा बाय एक्स मैक्स, तो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस स्प्रिंग एनर्जी मीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस स्प्रिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या रहेगी? लगाएं एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि स्प्रिंग के साथ ये मास परमानेंट रेस्ट पे नहीं है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन थोड़ी ना, स्प्रिंग उठा के उसे वापस भेज देगा, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। तो देखो जब ये मास यहाँ पे है तो बताओ ग्रेविटेशनल एनर्जी कितनी है? एम जी इंटू एच। काइनेटिक क्या है? जीरो। रिलीज किया, स्प्रिंग आराम कर रहा है, टच भी नहीं किया, स्प्रिंग एनर्जी जीरो। जब ये यहाँ पे आ गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, स्प्रिंग की एनर्जी, स्प्रिंग दब गया हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर, और काइनेटिक भी उस इंस्टेंट पर क्या हो गई? जीरो। तो देखो वही इक्वेशन लिखी हुई है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? स्प्रिंग एनर्जी में। तो वहां से एक्स मैक्स निकाल लेना। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? मेंस वालों ने सेम प्रॉब्लम दी हुई है, चेक कर लेना, बस फ्रिक्शन के साथ दे दें। वो कहते हैं फ्रिक्शन भी है, अब तुम अपना हिसाब लगा लेना। फ्रिक्शन वर्क डन करेगा एफ इंटू एस, तो फ्रिक्शन वर्क डन करेगा तो जो एनर्जी कम है उसमें फ्रिक्शन का वर्क डन ऐड कर देना। मतलब जैसे यहाँ पे एनर्जी थी एम जी एच, यहाँ पे हाफ की एक्स स्क्वायर कम हो जाएगा, अगर फ्रिक्शन होगी हाफ की एक्स स्क्वायर बराबर नहीं हो पाएगी, कम हो जाएगी, उसमें वर्क डन में फ्रिक्शन ऐड कर देना, इक्वेशन बनाना, आंसर आ जाएगा। तो ऐसा कुछ कॉम्पिटिशन में आ सकता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? जब आएगा ऑब्जेक्टिव शीट में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, बट समझ में आ रहा है आपको कि बिना फ्रिक्शन के कैसे करना है? सर हाँ बोलो। सर जब फ्रिक्शन होगी तो हम फाइनल पोजीशन की एनर्जी में ऐड करेंगे वर्क डन जो कम है। हाँ फाइनल में हाफ के एक्स स्क्वायर कम हो जाएगी ना, उसमें ऐड करेंगे। ओके सर। या ऐसा भी कर सकते हैं एम जी एच माइनस हाफ की एक्स स्क्वायर, ये जो कम होगी, या एक काम करो फाइनल माइनस इनिशियल कर लो। फाइनल हाफ की एक्स स्क्वायर है, इनिशियल एम जी एच था, इनका जो डिफरेंस है इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस एफ इंटू एस आंसर। वो तो न्यूमेरिकल आएगा, करके देखना ना, तभी बात समझ में आएगी। जैसे ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर एक कुली है, स्प्रिंग है, मास है, और सपोज ये रेस्ट पे है, मास एम रेस्ट पे है। मैंने इस मास एम को रिलीज किया, मास एम नीचे आ गया बाय अ डिस्टेंस ऑफ एक्स नीचे आ गया। तो जब ये मास एम एक्स नीचे आया, फिर ये ऊपर भी जाएगा, फिर नीचे ऊपर, तो ये एक्स इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम नीचे एक्स आया, तो स्प्रिंग भी एक्स खुल गया। एक्चुअल में प्रैक्टिकल सिचुएशन तो ऐसी होगी, एम नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे ऊपर, जब एम नीचे आएगा स्प्रिंग एक्सपैंड करेगा, ऊपर जाएगा स्प्रिंग कंप्रेस करेगा, फिर एक्सपैंड कंप्रेस एक्सपैंड कंप्रेस। यानी कि ये क्वेश्चन इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं है। तो क्वेश्चन है आपको बताना है कि एक्स की वैल्यू क्या है जब आपने इसको रिलीज किया। तो एक बात समझ में आ गई, एनर्जी कंजर्वेशन की प्रॉब्लम है। एनर्जी कंजर्वेशन में अगर हम इसको ग्राउंड मान लें, मान लो सबसे नीचे की हाइट ग्राउंड है, तो सम ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस स्प्रिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस स्प्रिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये लो। बताओ जब मैंने इसको पकड़ के रखा हुआ है, काइनेटिक क्या है? जीरो। पकड़ के रखा हुआ है, स्प्रिंग एक्सपैंड नहीं हुआ, इसकी एनर्जी भी जीरो। पकड़ के रखा हुआ है तो ग्राउंड से कितनी हाइट पर पकड़ा हुआ है? एम जी एक्स। और जब छोड़ दिया तो काइनेटिक उस इंस्टेंट पर जीरो, ग्रेविटेशनल भी जीरो, स्प्रिंग एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ के एक्स स्क्वायर। इक्वेट कर लेना, एम जी एक्स इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर से एक्स आ जाएगा आंसर। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक इसमें चलने वाला है? स्प्रिंग कुछ नहीं है, मैं कितने भी क्वेश्चन करता जाऊं उसे कोई फर्क ना पड़ेगा। अब तो आपके करे पे फर्क पड़ेगा, आपके ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स के अंदर कहीं ना कहीं तो स्प्रिंग अब आएगा। मैंने आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं करवाया स्प्रिंग का, बस आपको टेक्निक बताई है। अब इन टेक्निक से आपने उन न्यूमेरिकल्स को ट्राई करना है। एक शीट तो एनसीईआरटी वाली हमारी शीट भी है, ऑब्जेक्टिव के अंदर, हमारे ऑब्जेक्टिव के अंदर भी स्प्रिंग आते जाएंगे, उसमें प्रैक्टिस भी होगी। लेकिन आप पीवाईक्यू जब करेंगे प्रीवियस ईयर, उसमें भी स्प्रिंग दिखेंगे, आप वहाँ लगा के देखना। मैंने कोई क्वेश्चन उसमें से करवाया नहीं है।
तो आपको ये कॉन्सेप्ट बता दिया कि कैसे एनर्जी कंजर्वेशन लगानी है, उसमें लगा के देखना, तब देखेंगे क्या आंसर आता है। ठीक है,